सौके तीन है भाई साहब, अभी लूट लोगे तो लूट लो। देखिए हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं हमको। ये क्या हो रहा है? भवाड़ है, ये भवाड़ हो रहा है। कुछ निकला नहीं निकला, स्कूटी स्कूटी दो शब्द दुकान के बारे में, दुकान के बारे में दो शब्द। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं भगवाली पोखर मार्केट में। आज तीसरा दिन है कौतिक का और आज आपको कौतिक दिखाएंगे। हम स्कूल में जाके तो आ चुके हैं, मैम और सर से मिलके आ चुके हैं। ममता मैम तो थी नहीं यहाँ पे आज, तो अभी स्कूल से निकल चुके हैं हम। गाइस आज तो मतलब दिन ही बन गया, टीचरों से भी मुलाकात हो गई, रैंडमली सब्सक्राइबर भी मिल गए और वीडियो वो रिकॉर्डिंग बटन, यार मतलब कैसे मिस हो सकता है, मतलब इतने अच्छे मोमेंट कैसे मिस हो सकते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आया। बस मतलब सही है यार, ठीक है हो गया ना मिस, हो गया। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ आप बांसुरी शेरा की ओर, संजू भैया को कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं आओ लेने के लिए करके। चुके हैं थई में, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता भी है जिससे आप सीधे खरेटी के पास पहुँचते हो और कफड़ी के पास, और यहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे बांसुरी शेरा। जो भैया हमारा कर रहे हैं इंतजार वहाँ पे बांसुरी शेरा पुल पे, तो चलते हैं और फिर आपको भी मेला घुमाते हैं जितना आज देखने को मिलेगा हमको। तो चलिए चलते हैं। और गाइज यहाँ पर ना हमारा खेत है, मतलब आप तो बंजर हो चुका है, ये हमारा खेत, मतलब यहाँ भी मैं इतनी बार आया हूँ ना बैलों को लेके, अब देख लो कितना दूर है। हालत ख़राब हो जाती थी भाई, पर उस टाइम पे ना सब करते थे ना काम, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम स्पेशल कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे ये सब एक्सेप्टेड थे, सब वही बोलता हूँ ना, सब माइंड का गेम है। अगर दिमाग में भर लिया ना कि टफ है तो टफ है, तुम कर ही नहीं सकते, और दिमाग में अगर ये सोच लिया ना कि हाँ सभी तो कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो, तो वही चीज़ है भाई। और ये हमारा झुलगझर का पुल बोलते हैं इसे, ये हमारे गांव वाली नदी आ रही है और ये यहाँ पे इसका संगम होता है बैनाली घाट से। बैनाली से जो नदी आती है और हमारे गांव से जो नदी आती है उनका संगम यहाँ पे होता है, और फिर उधर थोड़ी सी आगे जाके वहाँ पे होता है गगास नदी, बैनागाड़ नदी का संगम। बैनाली घाट वाले में थोड़ी ज़्यादा पानी होता है हमारी नदी से, और गगास नदी में बैनाली घाट से भी ज़्यादा पानी होता है। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ शिवालय मंदिर में, शिवालय मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ जिसका कि जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखी होगी तो जीर्णोद्धार से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई थी, अगर आपने देखी नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेकआउट करना क्या उसमें प्रपोजल्स या क्या थॉट प्रोसेस रखी गई है जन सेवा द्वारा। ये देखिए गाइस, और ये शमशान घाट भी है इधर, इधर भी ये पूरा एरिया शमशान घाट का है, शिव जी का मंदिर है तो शिव के आसपास ही शमशान घाट होता है ये। और इतनी सुगंधित खुशबू आ रही है ना अगरबत्ती धूप की, तो एक अलग ही है यहाँ पे। और ये भोबाजी, और ये हमारे धंधा, और सब बढ़िया कौतिक सा आगे भाई साहब, चश्मे देखो गाइस कहाँ से खरीद के लाए हो, ये तुर्की का है, तुर्की का है, कौन से दुकान से लाए हो तुर्की के? ये तुर्की के मंगल बाजार लगता है वहाँ। ये गाइस देख रहे हो, गाइस कमेंट करके बताना सीधे मुंबई भेज दिया जाए, सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट मुंबई भेज दिया जाए। और धंधा की दुकान हमारी ये हमारे शेर साहब देखो आपकी बड़ी आते हैं आते, धन्यवाद धंधा धन्यवाद। और ये हमारा शिवालय मंदिर जिसका की जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, जय हो। अभी हमको हो रहा है थोड़ी लेट, अभी हम कौतिक भी जा रहे हैं, ये देखिए गाइस, और गगास नदी। अभी तो इसमें पानी कम है, जब बारिश वारिश का सीजन होता है ना बहुत पानी आता है इसमें, मतलब आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखी भी होंगी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ बांसुरी शेरा में, तो बांसुरी शेरा से होते हुए जा रहे हैं, और संजू भैया ने यहीं स्कूटी लगाई है आसपास। और ये हमारी अमा पार गांव की, हाँ बेला कजना से घर पहचाने तो जा के नहीं पहचानो के है जा भलो भलो सब बढ़िया ना बढ़िया हरी मम्मी के लग जान सा मम्मी के लग जा और की हरी नेता है सब बढ़िया हरी बाबा कृपा से तुम्हारा जा कभी ना उन ना दिन ना आरो तो आजकल तो ऑफिस का काम चल रहा है, आज छुट्टी तो आज पति जा रही है जा 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 ठीक छ हां। और ये हमारे बुबू जी, बुबू जी और सब बढ़िया। बांसुरी शेरा मार्केट में हम पहुंच चुके हैं और यहां से हम जाएंगे बस।
तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भगवाली पोखर मार्केट में। आज तीसरा दिन है कौतिक का और आज आपको कौतिक दिखाएंगे हम अच्छे से। और हमारे साथ हैं अभी संजू भैया और ये पवन भैया। आ चुके हैं ना चचा, चचा बनना। और ये सराज, सराज की मिठाई, सराज की मिठाई खा के आ चुके हैं। और दूसरे भाइयों को आज जोड़ ढूंढे भेज दिया इन्होंने। और पंकू भैया ने यहाँ पे जो भुटुए बनाए हैं ना आज गाइस, खाते रह जाओगे। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। और ये हमारे प्रधान साहब और ये हमारे चचा दुकानदारी करते हुए। अभी हम आते हैं कौती घूम के फिर आते हैं पंकु भाई। ये है भगवाली पोखर का चौराहा, यहीं से आपको बाजार दिखनी शुरू हो जाएगी। पर इतनी चहल पहल दिख नहीं रही है हमको गाइस, लोगों से ज्यादा तो मेरे को पुलिस दिख रही है इधर। और आप खा सकते हैं यहाँ पे गुनियावा। ये वाली रोड जो गई ना बिंता को गई गाइस, ये रानीखेत वाली रोड है मार्केट। खड़ा कर सकते हैं, खड़ी ना करें मार्केट। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए गाइस, अरे इसकी लेने दे। पुलिस का पूरा सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट में, अच्छे से बंदोबस्त चल रहा है यहाँ पे गाइस। मार्केट तो पूरी खाली है, इससे ज्यादा तो बुद्ध बाजार में भीड़ होती है। पूरी कवरेज दिखाएंगे हम आपको मार्केट की, तो जिस जिसकी फोटो आई है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अभी हम आपको ले जाएंगे अन्ना भाई के गोलगप्पे की दुकान पे। आज हम आपको कोशिश करेंगे फ्री में खिलाने की, पर शोर मत देना वहाँ पे, ठीक है? शर्म करना थोड़ी, एक एक दो दो ही खाना। ये देखिए गाइस, मार्केट में भीड़ वैसे ज्यादा है नहीं, नॉर्मली भीड़ है। इतना तो बुद्ध बाजार में भी इससे ज्यादा होती है भीड़ वहाँ पे। पर गाइस वो भी है ना, क्या बोलते हैं, मार्केट में लोग रहे ही नहीं इतने, मतलब गांव में लोग है ही नहीं, तो कौती कौन आएगा। ये भी इतने हैं जितने दिल्ली से आए होंगे ना, आधे से ज्यादा उसमें दिल्ली से आए हुए वाले हैं। हमारी चाची जी की दुकान यहाँ पे, ये देखो स्वेटर बुनते रहती है जेला, और सब बढ़िया। तो आप यहाँ पे हाथ से बुनी हुई स्वेटर ले सकते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, सबसे बड़ा यूट्यूबर यार। हेलो गाइस, कैसे हो? ये मेरा बढ़िया गाइस, इसको बिल्कुल फेमस कर दो। ये देखो गली मोखर के मेले में देख सकते हो कि आप मेरा भाई गाइस, इसका चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस। ये गाइस मीटअप चालू हो चुका है, छोटे छोटे मीटअप है, मेले में ही लोग इतने हैं तो इतने भी मीटअप हो जाए तो बहुत है यहाँ पे गाइस। इनकी यहाँ पे केक की दुकान है, इनकी दुकान से आप केक ले सकते हैं, बिस्ट बेकरी के नाम से। और यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आ चुके हैं आप कौती की रौनक बढ़ाने के लिए। और गाइस जब हम बचपन में कौतिक आते थे ना, तो ये वाले यहाँ पे सॉफ्टी यहाँ पे फेमस आते थे, पर अब मन नहीं करता यार। गो भेगो गो, तो गाइस इसके बाद हम जाएंगे अन्ना भाई के गोलगप्पे की दुकान, उसके बाद सीधे रामलीला, उसके बाद सीधे कार्यक्रम देखने जाएंगे हम। और ये हमारे कबड़वाल जी, अरे बाजू दी टोप लिखना आई मिल ही जरा, अलग फोन कर लो पूछ लो। तो ऐसा चल रहा है कुछ कार्यक्रम। और देवदा के समोसे पहली बार हमको 3 बजे दिख रहे हैं, नहीं तो ये 10 बजे गायब हो जाते हैं। कई जहाँ तो भीड़ ही नहीं है, हमारे नानतीन हराएंगे कैसे कौतिक में फिर। गाइस गाइस अन्ना भाई ने यहाँ हरी कर दी है, गाइस अन्ना भाई ने हरी कर दी है। साई जी ये देखिए अन्ना जी, सेफ्टी देखो, सेफ्टी देखिए गाइस, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम। कस्टमर देखो यहाँ पे, देखो ये कैसे ग्लव्स से कपड़ा कर रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया। हमें भी खिलाओ, तुम भी खाओ यार, टेस्ट करो यार, बाबा इनको खिलाइए। तो गाइस अन्ना भाई के हमने यहाँ पे गोलगप्पे खा लिए, काफी मजेदार टेस्ट यहाँ पे। ब्लॉग तो पता नहीं कब आएगा, पर टेस्ट लाजवाब है। और ऐसे अन्ना भाई, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रामलीला ग्राउंड के आसपास।
ये आप यहाँ पे झूले ले सकते हैं। ये गाइस देखिए कैसे हैं आप लोग, बढ़िया। आप सुनाइए, आप लोग बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल आनंद ले रहे हैं, आप सबका सपोर्ट है तो इसकी वजह से यहाँ पे रहता ही है यार, पुलिस प्रशासन का रहता ही है यार, बिल्कुल करो। हम निकल चुके हैं कार्यक्रम की ओर, देखते हैं कार्यक्रम में क्या चल रहा है। मठू, 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 हिल ब्लॉगर मिल चुके हैं गाइस हमें। एक और आगे भाई, अब हम करने वाले हैं कोलैबोरेशन। मैं कह रहा हूँ कि अन्ना भाई के उधर जाते हो तो सब लड़कियों को फ्री में गोलगप्पे खिला रहे हो, तो हम आते अभी चलते हैं। मेरे से तो पैसे ले लिए उसने, फ्री में एक भी नहीं खिलाया, मेरे से भी पैसे लिए। मार्केट अभी भी सजी हुई है, अभी तक ये क्राउड सारा था भोपाल भंडारी स्टेडियम ग्राउंड में, और अभी अब ये भीड़ वापस आ चुकी है क्योंकि स्कूटी तो निकली नहीं। ये देखिए डॉन साहब आ गए ये स्कूल के। हेलो हेलो गाइस, करो भाई को, भाई को। हेलो गाइस, सर कैसे हो? बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया हो, कैसे हो? अरे भाई हम लोग में, अरे बिल्कुल उठ जा तुम, इधर स्मार्ट, इधर स्मार्ट आया, तुम किले नहीं आ रहा यार, चैनल को रहे तुम यूके पहाड़ी ब्लॉग्स, ये मनोज। अच्छा सॉल, और ये देखो इस्माइल, देखिए कल भी है मेला, कल भी मेला है। ये देखो चनपट्टी ले लीजिए, लूट गया माल, लूट गया, सौ के तीन है भाई साहब, अभी लूट लोगे तो लूट लो, मौका पे मारो चौका, ये पो पो पो। गाइस कतई भुबाट हो रखा है, ये देखिए गाइस भीड़ बढ़ चुकी है मार्केट में काफी, खचाखच भरी हुई। ये ले लिया यहाँ पे गरम कामो, इन्होंने ले लिया टप, ऐसा आप जा धुनी भानियो। गाइस हमको दो टोपी भी लेनी है, हमको दो सफेद टोपी दे दो। ये देखिए गाइस, दो चार चीजें हम भूल गए थे, मतलब दो टोपी हम लेके गए, फिर से हमको फोन आया है कि दो टोपी और लेके आनी है, तो हम टोपी लेने के लिए आए हैं। ये आंटी जी, ये देखिए छोड़े का स्लिट। गाइस देवदा के दुकान के समोसे खत्म, अरे गाइस यहाँ तो हरानी हरो, हमारे धंधा हमको मिल गए हैं यहाँ पे चाचा जी। ये क्या हो रहा है, भुवाड़ है ये, भुवाड़ हो रहा है, कुछ निकला नहीं, निकला स्कूटी, स्कूटी स्कूटी रावल शेरा, अरे आपका नहीं निकला, अरे यार ये तो गलत हो गया फिर, आपके करूँ हूँ। और गाइस तेजस ग्रुप के यहाँ पे ये वैन जो कि भगवाली पोखर में हर बार चलती हुई मिल जाएगी आपको, ये देखिए यहाँ पे आप फास्ट फूड का आनंद ले सकते हैं। हाय गाइस, हेलो, कैसी चल रही है खरीददारियाँ? बहुत अच्छी चल रही है यार, खुश हो आप? बहुत अच्छा मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो यहाँ पे दुकानदार भी खुश है काफी, और इन्होंने अम्मा के दांत पहनाने हैं, आपको याद होगा, मैंने थोड़ा पहनाने, अच्छा वॉशिंग मशीन वाले, और ये फ्रिज देखो, पहाड़ों में ठंड मच जाती है ना, इसलिए ये फ्रिज हल्द्वानी भेज दिया इन्होंने। हम जा रहे हैं अनिल साहब जी को इन्विटेशन कार्ड देने, देखते हैं वो अपने
कार्यालय पे मिलते हैं नहीं, क्योंकि अभी तक हम वहाँ कार्यक्रम देखने में व्यस्त थे। अब अंधेरा थोड़ी हो चुका है, पता नहीं ऑफिस खुला होगा या नहीं खुला होगा। SBI ATM, एकमात्र ATM इस एरिया का। हाँ, ये देखो यूके पहाड़ी ब्लॉग, ये मनोज यूके पहाड़ी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल यार, सब्सक्राइब। यहाँ पे गाइस आप हैप्पी बर्थडे का केक ले सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी का केक ले सकते हैं, एक महीने एनिवर्सरी, दो महीने एनिवर्सरी, जो आपकी मर्जी वो वाला केक ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये है यहाँ पे बिस्ट बेकरी। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ये गाइस पिछोड़ा ले सकते हो आप मार्केट से, ये देखिए शानदार पहाड़ी पिछोड़ा शुभ ले सकते हो। ये देखो, तुम्हारे भट गोंद हो ना हो, शुभ तो तुमको लेने ही पड़ेंगे। दो भाइयों की दुकान। तो गाइस मेला हम घूम चुके हैं और काफी अच्छा मेला रहा है, और कल भी है मेला, तो कल भी आएंगे हम। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।